बचाओ। सबकी बिटिया ने मटके की रस्म तो कमाल कर दिया। बात तो बिल्कुल ही सही कह रहे बाबूजी। सुमन बहू, जब बाकी सबको भी बुला लाओ, वो सब भी देख लेंगे ना मटके की रस्म की फोटो। बाबूजी, सबको कहाँ से बुला के लाए, घर पे कोई होगा तभी तो बुलाएंगे ना। क्यों, क्या हुआ? कहा है ना, बड़ी सासू माँ ने ना सबको शादी की खरीदारी करने के लिए बाजार भेजा है। बड़की, श्रद्धा, अश्विन, संजय सब गए हुए हैं। सब? हाँ। और मैं अपनी शादी की शॉपिंग ऑनलाइन यहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि अब ध्यान खत्म तो मेरे और सबके के एक होने की सारी मुश्किलें भी खत्म। तो बारिश भी शुरू हो गई, छाता वाता कुछ है नहीं, ध्यान कहाँ रहे क्या भाई? बचाओ! बिहान, क्या हुआ सबकी बिटिया, ऐसे क्यों? बिहान, क्या हुआ बिहान को? माँ, थपके, माँ, थपके, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? माँ, बिहान कहाँ है? बिहान, बिहान तो यहाँ नहीं आया। वो तो बहुत बहुत देर पहले आपके पास आने के लिए निकल चुका है। क्या आप सब यहाँ को क्या हो गया? क्या है बिहान को? कोई है? बचाओ! बिहान, ये है नया किचन तुम्हारा, ताकि अब जब भी तुम्हें मुझे बुलाना हो ना, तुम्हें सीटी बजा दो, मैं फौरन आ जाऊंगी तुम्हारे पास। ध्यान को ढूंढ ना रहे, जा मैं।
जी बाबूजी। अब हम ठीक हैं। कबकी की देवी सीटी ने हमें बचा लिया। हाँ, जब तक कबकी बिटिया तेरे साथ है ना, ये तेरा कुछ नहीं बिगड़ने देगी। लेकिन तू कुएं में गिरा कैसे था? गिरे नहीं थे बाबूजी, जानबूझकर कूदे थे। आपने ये जो साड़ी पहनी है ना, बिल्कुल ऐसे दिखने वाली साड़ी वहां कुएं में गिरी हुई थी। हमें लगा कि आप, इसलिए हम आपको बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं, कितने दुत्थू कहीं का। लेकिन तू पागलों की तरह कुएं में कूदा क्यों? किसी को बुलाना चाहिए था ना। भावजी, इतना सोचने का वक्त ही कहाँ मिला। हमने जैसे वो साड़ी देखी, हमारा मन इतना घबरा गया कि जल्दी से हमने वो रस्सी उठाई, पेड़ के बांधी और कूद गए। जब हमने देखा कि अंदर माँ नहीं है, तो हम वापस ऊपर आ भी रहे थे, रस्सी पकड़ पकड़ के चल रहे थे, पहुंचने वाले थे कि अचानक पता नहीं कैसे रस्सी खुल गई या फिर क्या हुआ, हम फिर से पानी में गिर गए। रस्सी खुली नहीं थी, मैंने काटी थी ताकि तू जिंदा ही ना बचा जाए, पर थपकी ने तुझे बचा लिया, वरना। पर ध्यान, तुम उस कुएं पे गए ही क्यों थे? हाँ, मैं तो सुमन बहू से कह के निकली थी कि मैं घर के सामने वाले कुएं पे जा रही हूँ, फिर तुमने बताया नहीं क्या? बड़ी सासू माँ, हमने तो। लेकिन ध्रुव ने तो हमसे कहा कि आप घर के पीछे वाले कुएं पे हमारा इंतजार करें। एक्चुअली मेरी रस्म वही हुई थी, तो मुझे लगा तेरी रस्म भी वही होगी। But you know what? गलती मेरी है, मुझे सुमन भाभी से कंफर्म करना चाहिए था। I'm sorry बिहान, मेरी लापरवाही की वजह से आज पता नहीं क्या हो जाता। नहीं भाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो बस हमें कुएं तक भेजा था, उस कुएं के अंदर जाने का फैसला तो हमारा ही था। पर बिहान देवर जी, हमका एक बात समझ में नहीं आई, ये बड़ी सासू माँ जैसी दिखने वाली साड़ी वो कुएं में आई कहाँ से? अरे छोड़ो उसको, कहाँ से आई वो, हमारा बच्चा तो ठीक है ना। चल अब तू कपड़े बदल और आराम कर। तब की बिटिया, तुम बिहान के साथ ही रहना। जी बाबू जी। जब हम कुएं में गिरकर बाहर भी निकल गए, ठीक ठाक अच्छे खासे हट्टे कट्टे यहाँ आराम कर रहे हैं, और आप हैं कि अभी तक चिंता में। बेहान, मेरा दिल बहुत घबरा जाता है, तुम प्लीज अपना ख्याल रखा करो, मुझे अपनी किस्मत से वो बहुत बहुत डर लगता है। बेहान, मुझे कुछ हो जाए मैं सह लूंगी, पर तुम्हें कुछ भी हो गया ना, तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी मिसेस थपकी बिहान पांडे, कुछ नहीं होगा हमें और ना ही तुम्हें, और आपकी ये किस्मत हमारे साथ जुड़ गई और हम तो इसे कुछ होने नहीं देंगे, इसलिए हाथ और हमारा साथ दोनों कभी नहीं छूटेंगे। ऊपर वाले ने बनाया है रिश्ता, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, और वैसे भी अब तो परसों हमारी शादी, उसके बाद हम तुम्हारे मिस्टर, तुम हमारी मिसेज, इसलिए अब नो चिंता, ओनली स्माइल। चलो
गलत टाइम पे किसका फोन है? अरे अरे नो फोन, फोन पर अब कल बात करना, सो चलो। अरे लेकिन आराम करो। अरे लेट ऑफ, चलो। शादी से पहले ही बीवी वाली हरकत, गजब। लेट ऑफ। बिहान आप बंद बिल्कुल। आपने जो साड़ी पहनी है बिल्कुल ऐसे दिखने वाली साड़ी वहां कुएं में गिरी है। माँ की जैसी सेम साड़ी उस कुएं में कैसे हो सकती है? और बिहान भी तो उसी साड़ी को देखकर कुएं में कूदा था। किसी ने जानबूझकर तो, पर कौन हो सकता है? हेलो हेलो मल्होत्रा अंकल, नमस्ते। मैं थपकी बिहान पांडे बोल रही हूँ, पांडे निवास से। हाँ हाँ बेटा बोलो बेटा। अंकल माफ कीजिएगा, आपको इतनी रात फोन कर रही हूँ। वो मुझे आपसे एक बात जाननी थी। बोलिए बेटा। अंकल वो आपको याद है दादी माँ ने माँ के लिए एक मरून कलर की साड़ी मंगवाई थी आपकी शॉप से? वो मुझे जानना था वैसी सेम साड़ी किसी और ने भी मंगवाई थी क्या हमारे घर से? नहीं ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ हाँ बेटा ध्रुव जी आए थे, वो साड़ी लेके गए अपनी पत्नी के लिए। जी धन्यवाद अंकल। ओके बेटा। तो ये काम आपका है ध्रुव पांडे, इसीलिए आपने जानबूझकर बिहान को दूसरे कुएं की तरफ भेजा। आपको तो मैं अभी नहीं, इतना बड़ा इल्जाम इस बार मैं आपके ऊपर बिना सबूत के नहीं लगाऊंगी। पहले आपकी पूरी सच्चाई पता करूंगी, आपके ऊपर अब पूरी तरह नजर रखूंगी, और अगर ये काम आपका हुआ तो इस बार तो आपको सजा दिलवा के रहूंगी मैं। घर में ना 1,00,001 काम होते हैं। सुमन भाव सुनो, रिश्तेदारों को देने के लिए नेक सब तैयार कर लिया है, पैकिंग वैकिंग हो गई है सब। हाँ बड़ी सासू मैं सब हो गया। तुम्हारे बात पे ना भरोसा नहीं होता है, तुम एक बार फिर से अपनी आंखों से देख के आगे मुझे बता दो। हाँ चलो जाओ जाओ जाओ, जाओ, जाओ। अरे हाय राम जी, ये क्या है? ये कढ़ाई और देखची घर के अंदर क्यों लेकर आ रहे हो भाई? ये तो बाहर बनेगा ना खाना वाना शादी का। संजय इतना उधर उधर, ये भैया बताएंगे कहाँ लेके जाना है। हाँ ठीक है चलो भैया मैं बता दूंगा। ये देखो यहाँ बैठे हैं आप, क्या कर रहे हैं? न्योता दे दिया सबको? अरे बहुत सारे लोगों को भेज दिया है, बाकी पूरी लिस्ट तो हमारे कमरे में है, अभी मंगवाते हैं किसी से। बाबूजी आपके कमरे से मैं जाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं दुल्हन से हम काम करवाएंगे क्या? नहीं बेटा तुम तो इन सबको देखो और इन यादों को अपने दिल में समेटो। चलिए हम ही ले आते हैं, आइए आइए। चलिए जी। हेलो, हाँ जो मैंने मंगवाया था, क्या कह रहे हैं आप भी क्या? ओह वेरी गुड, ठीक है मैं आके चेक करता हूँ। या थैंक यू सो मच। क्या मंगवाया आपने? अब आगे क्या प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं है थप्पी, वो इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? बताइए ना क्या मंगवाया। ध्रुव तुमने वो जो बांस मंगवाए थे ना मंडप बनवाने के लिए, वो आ गए हैं बाहर, जाकर देख लो। एंड थैंक यू ध्रुव, तुमने एक काम फोन पर ही करा दिया यार, वरना मुझे मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ते वहां के। इट्स ओके भाई। थपकी तुम्हें क्या हुआ?
एक्चुअली सबकी यही पूछ रही थी कि मैंने क्या मंगवाया। मैंने ये मंडप के लिए बांस मंगवाए थे, अब मैं बाहर जाके चेक कर लूं। सी यू। बस अब तुम लोग जाओ। ये सारे बैम्बूज मैंने तुम्हारे शादी के मंडप बनवाने के लिए मंगवाए हैं। इस पैप पे लाख की परत लगी थी, तभी तो एक छोटी सी चिंगारी से ये एकदम से जल गए। अब देखना था कि कैसे मैं तुम्हारी शादी के मंडप में तुम्हारे और बिहान की शादी का अंत करता हूं। गजब भाई, क्या मंडप सजाया तुमने। लेकिन भाई थोड़ा बंद बंद सा नहीं है। बिहान ये डिजाइनर मंडप है, तुझे इसलिए बंद बंद लग रहा है क्योंकि इसमें चार पिलर नहीं, आठ पिलर है। देख, ताकि जब दूल्हा दुल्हन अंदर हो ना तो बाकी की भीड़ अंदर ना आ सके। समझा भाई? तुम समझ गए ना, काफी है, हम क्यों अपना दिमाग लगाए भाई। हेलो, आ रहा ना अंकल, आप आ रहे हैं ना शादी में? वैसे आगे का प्लान क्या है आपका? मतलब अनजान बनने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। जिस शादी को आज तक आप तोड़ने में लगे हुए थे, आज उसी शादी का मंडप बनवा रहे हैं। स्पेशली ये मंडप डिजाइन करवा रहे हैं। वैसे ये बदलने का नाटक किस लिए? कुछ नहीं बदला था कि मैं आज भी तुम्हारे और बिहान की शादी तोड़ना ही चाहता हूँ, पर क्या करूँ? I don't have a choice right now. और फिर तुमने कहा था ना कि मेरा खेल खत्म, तो बस कुछ नहीं कर रहा मैं। Nothing. I'm just doing nothing. और भाई, क्या हुआ? ये गिर कैसे गया? आई थिंक वजन बढ़ गया, रस्सी थोड़ी और बांधनी पड़ेगी। मैं ले आता हूँ। रुको रुको भाई, तुम इसको संभालो, हमें बताओ रस्सी कहाँ पड़ी, हम लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, स्टोर रूम में पड़ी है जहाँ सारे बांस पड़े। ठीक है, हम अभी लेके आते हैं। बिहान जरा इधर आना। जी बाबूजी, अभी आते हैं। कोई बात नहीं बिहान, तू जाके बाबूजी की बात सुन, मैं ले आता हूँ। नहीं भाई, एक काम करते ना, तुम क्यों जाओगे, थपकी ले आएगी। हाँ थपकी तुम ले आओ। नहीं, अब मेरा मतलब थपकी तो दुल्हन है ना, और दुल्हन से थोड़ी ना काम कराते। मैं ले आऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे भाई? दुल्हन है तो क्या हुआ, सारा काम तुम अकेले थोड़ी करोगे, और परेशानी कैसी है रस्सी लाने में। जाओ थपकी, तुम ले आओ, जाओ जाओ। थपकी रुको, तुम क्यों जा रही हो? मैंने यहाँ पे ये डंडा अटका दिया, अब मैं जाके रस्सी खुद ले आता हूँ। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम रेस्ट करो। नहीं, बिहान ने कहा है तो रस्सी तो मैं ही लेके आऊंगी, उसी कही हुई बात मैं कैसे डाल सकती हूँ। पर जो मैंने बिहान के लिए प्लान किया है, कहीं वो थपकी के साथ? नहीं, मुझे थपकी को स्टोर रूम में जाने से रोकना होगा किसी भी हाल में।